यह है बुगाटी टीवो। शायद आपने कभी इसका नाम ना सुना हो। आपने वेरॉन का नाम सुना होगा, शेरॉन का नाम सुना होगा। तो ये लिमिटेड एडिशन मॉडल है और ये शेरॉन पे ही बेस्ड है, मगर शेरॉन से बिल्कुल डिफरेंट है। इंजन सेम है, पावर भी सेम है, मगर आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी बिल्कुल डिफरेंट है। ये इसकी हेडलाइट्स हैं और ये जो वाइट कलर की लाइन जा रही है, ये भी लाइट है। ये डे टाइम रनिंग लाइट्स हैं और आप देख सकते हैं इसका एरोडायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट है। इसकी ग्रिल भी जो है इसमें हल्की हल्की नोक हैं ताकि ये हवा जो है ज़्यादा से ज़्यादा काट सके। ये गाड़ी पूरी की पूरी कार्बन फाइबर की बनी हुई है और बे इंतहा खूबसूरत है। ये दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 40 हैं और ये मैं दूसरी बार देख रहा हूँ इस गाड़ी को, तो मैं सोचा आज आपको दिखाऊँ। ये गाड़ी है 5 मिलियन यूरोज़ की। यहाँ पे इसमें कार्बन फाइबर के फ्लैप्स हैं ताकि आगे के पहिया जब घूमें तो हवा से जो प्रेशर बनती है वो ऊपर से निकल जाए। और उसके व्हील्स कितने खूबसूरत हैं, इसका साइड स्कर्ट देखें कितना ज़बरदस्त है। उसमें फ्रांस का झंडा भी लगा हुआ है छोटा सा, ये ब्लू वाइट और रेड कलर का, क्योंकि ये गाड़ी फ्रांस की है, तो इसीलिए मैंने सोचा आप लोग को ये गाड़ी दिखाऊँ। ये गाड़ी वाकई बहुत ही अनोखी है। इसमें जो इंजन है वो एक 8000 cc, इसमें 4 टर्बो चार्जर्स हैं और वो टोटल बनाते हैं 1500 हॉर्स पावर। मगर ये शेरॉन से बहुत डिफरेंट है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत डिफरेंट है। अच्छा, इसी के बराबर मेरे पास यहाँ पे एक येलो कलर की लैम्बोर्गिनी सियान है। ये भी यूएई में एक ही है और ये सिर्फ और सिर्फ 63 गाड़ियाँ हैं। ये कंपैरेटिवली उसके मुकाबले में थोड़ी सस्ती है, वो 22 मिलियन दिरहम्स की है, ये है 17.5 मिलियन दिरहम्स की। तो डीवो तो सबसे महंगी गाड़ी है शुरू में, सियान जो है वो सेकेंड महंगी तरीन गाड़ी है। अब सियान के पीछे से ही मैं जाऊँगा तो आपको जो है मैं बुगाटी का रियर दिखा सकता हूँ। तो सियान के भी रियर वाकई बहुत ज़बरदस्त है, तो सियान की वीडियो अलग है। अभी डीवो को देख लें, तो ये इसकी टेल लाइट्स हैं और ये इसका पूरा रियर है। ये देखें कैसा ज़बरदस्त डिज़ाइन है इसका, देखें कितना बारीक से इसका जो है स्पॉयलर है। और आप देख सकते हैं इसमें नीचे हाइड्रोलिक्स भी आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये हवा के हिसाब से और गाड़ी के हिसाब से जो है वो रिएक्ट करता है। और ये पतली पतली जो लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये जो हैं इसकी हेडलाइट्स हैं, आई मीन टेल लाइट्स हैं, और ये सब रेड कलर की हो जाती है जब गाड़ी की लाइट चलती हैं। नीचे जो है वो इसका डिफ्यूज़र है फुल कार्बन फाइबर का, और बीच में जो है वो 4 एग्जॉस्ट पाइप्स हैं। और ये इसका इंजन है यहाँ पे, उसमें बीच में एक वर्टिकल विंग भी है बिल्कुल जैसे जहाज़ की दुम की तरह खड़ा हुआ है। और गज़ब की गाड़ी है वाकई, इसको देख के मज़ा आ गया। और जब मैंने पहली बार डीवो देखी थी तो वो उस वक्त 2019 में थी, पेंडेमिक से पहले, और वो अभी तक मुझे याद आती है। और ये गाड़ी भी मुझे बहुत अर्से तक याद आएगी। हाँ, इसकी टॉप स्पीड थोड़ी कम है शिरोन से। शिरोन जाती है तकरीबन मैक्सिमम 420 किलोमीटर्स पर आवर, वो और ज़्यादा तेज़ जा सकती है, मगर टायर फटने का डर है तो इसलिए उसमें लिमिटर लगा हुआ है। ये गाड़ी सिर्फ और सिर्फ 380 किलोमीटर फी घंटा जाती है, तो काफ़ी स्लो है इसके मुकाबले में, मगर बुगाटी के लिहाज से बहुत स्लो है ये। इसलिए क्योंकि ये हैंडलिंग के लिए बनी हुई है। इसके इंटीरियर भी बिल्कुल सेम है शिरोन की तरह। शिरोन के अंदर मैं बैठा हूँ, शिरोन की वीडियोज़ भी हैं मेरे पास बहुत सारी, तो मेरे चैनल पर आप ज़रूर जाकर देखिएगा। वेरॉन की भी वीडियोज़ हैं मेरे पास, और एक क्लासिक बुगाटी की भी वीडियो है जो कि 90s का मॉडल है। तो ये इसका साइड स्कर्ट और इसका एयर इनटेक जो कि डायरेक्ट हवा अंदर भेजता है, और बाकी इस गाड़ी की डिटेल्स बहुत ज़बरदस्त हैं। तो मैं आपको एक दो और गाड़ियाँ भी दिखाना चाहता हूँ जो शोरूम में हैं, प्लस यहाँ की तीसरी महंगी तरीन गाड़ी, वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और बाकी ये डीवो को देख के दिल नहीं भरता, वाकई एक अलग ही चीज़ है। तो अगर आपको कोनेसेक पसंद है, मैकलैरन पसंद है, फेरारी पसंद है, पोर्श पसंद है, तो आपको सबकी वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी, एक नज़र ज़रूर देखिएगा। तो अभी ये डीवो के बारे में मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी है। और शायद दो डीवोज हैं वही में, मगर दोनों एक ही जैसे रंग की हैं, तो मैं श्योर नहीं हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ। तो अगर उसकी भी वीडियो में बनाने का मौका मिला तो ज़रूर बनाऊँगा। अच्छा, यहाँ पे आसपास ही आप देख सकते हैं कि कुछ SVJs खड़ी हैं, एक SV रोडस्टर भी खड़ी हुई है मेरे पास लैम्बोर्गिनी की। ये भी बहुत तेज़ गाड़ी है मगर डीवो के मुकाबले में नहीं है, तो इसलिए मैं सोचा कोई गाड़ी दिखाऊं, इतनी रेयर है और इतनी ज़बरदस्त है। ये लैम्बोर्गिनी कभी मैं बहुत बहुत अरसे से इंतज़ार करता कि इसको देखूं। अच्छा, इसी शोरूम में मेरे साथ और भी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। यहाँ पे एक मैकलैरन सेना है ग्रे मरून कलर की, फिर एक और मैकलैरन सेना है वो भी सेम कलर, मगर कलर की जगहें बिल्कुल चेंज हुई हुई हैं। फिर ये मैकलैरन P1 GTR है, और उसके बराबर में है एक वाइट कलर की मैकलैरन स्पीड टेल।
ये है तीसरी महंगी तरीन गाड़ी शुरू में, यह है 17 मिलियन दरहम्स, यानी तकरीबन 3 मिलियन दरहम्स की। और आप देख सकते हैं ये बहुत बड़ी गाड़ी, इस गाड़ी की वीडियो अलग से है, ये इसकी इंटीरियर की भी वीडियो है मेरे पास। तो ये बनाती है तकरीबन 1050 हॉर्स पावर, इसकी टॉप स्पीड है 400 किलोमीटर फी घंटा, दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 106 हैं। यहाँ पर एक लाफरारी भी है, अब लाफरारी के भी अंदर मैं बैठ चुका हूँ, इसकी भी वीडियो है मेरे पास, सेना की वीडियोज़ भी हैं अंदर से। तो एक नज़र ज़रूर मेरे चैनल पर जाके देखिएगा, आपको बहुत सारी ऐसी हाइपर कार्स, सुपर कार्स, लग्जरी कार्स, जीप्स और ट्रक्स की भी वीडियोस मिलेंगी, क्लासिक कार्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो जो भी आपको वीडियो रिक्वेस्ट करनी हो, एक नज़र मेरे चैनल पर ज़रूर देख लीजिएगा, या आप मुझे कमेंट्स में मैंशन कीजिएगा आपको कौन सी गाड़ी देखनी है। तो मैं सोचा आपको डीवो दिखाऊँ, क्योंकि वाकई ये गाड़ी बहुत ज़बरदस्त है।